तो गाइस पेरेंटिंग इतनी इजी नहीं, और खास तौर पे अगर आपको बच्चे को मॉनिटर करना है कि भाई सब सही है ना, बच्चे के साथ कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं हो गया। लाइक आजकल के बच्चों के पास मोबाइल तो पहले हाथ में आता है, तो 5 साल से 18 साल के अगर आपका बच्चा है और मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहा है, तो आप कैसे उसको मॉनिटर कर पाएंगे कि उसको कोई फ़ोन कॉल या टेक्स्ट मैसेजेस ऐसे आलतू फालतू नहीं आ रहे, वो गेम्स वगैरह तो ऐसे आलतू फालतू कोई ऐप वैप तो यूज़ नहीं कर रहा है, और आपका बच्चा इधर उधर जा रहा है तो पता तो चले कि अच्छा गया कहाँ है, कहाँ नहीं, कितनी देर में आ जाएगा, ये वो। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं, वरना टेंशन रहती है। तो वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्लेफ गार्ड का किड्स गार्ड प्रो फॉर एंड्रॉयड। मतलब कि बहुत ही मज़ेदार सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हैं अपने बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ को, और साथ साथ कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं वो भी। सो वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको डिटेल्स देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो लाल बटन है दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो अच्छे लगे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हम डिटेल में क्लेफ गार्ड के किड्स गार्ड प्रो फॉर एंड्रॉयड के लिए, और आपका iOS के लिए भी आता है, iPhone के लिए भी, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं एंड्रॉयड के बारे में बात करने वाला हूँ आज, और जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारा आप फाइल्स मॉनिटर कर सकते हैं, और बहुत सारे व्हाट्सएप ऐप ये सब सोशल ऐप्स जो भी हैं सब आप कर सकते हैं मॉनिटर, और बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं होगा। मतलब ऐप आप इंस्टॉल भी करेंगे ना तो वो दिखने वाला नहीं है, क्योंकि वो नाम ही कुछ और होता है उनका, ठीक है। और कोई रूट वूट करने की ज़रूरत नहीं है आपको फ़ोन वगैरह को, 5 मिनट लगेंगे आपको, बस डिवाइस करना है 5 मिनट के लिए, बस फ़ोन लेना है टारगेट डिवाइस जिसमें आपको करना है, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं वहाँ से, मतलब सब कुछ बहुत पावर से, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एंड्रॉयड 4 से लेके एंड्रॉयड 12 तक का होना चाहिए, मतलब एंड्रॉयड 4 से पुराने फ़ोन्स आई बिलीव होंगे भी नहीं ज़्यादा, तो इतना होना चाहिए आपका। और आपको बाय नाउ मॉनिटर, तो मॉनिटर नाउ दबाएंगे तो आपको लॉगिन वगैरह करना होगा, और फिर आपको जो मतलब आप खरीदेंगे तो आईडी पासवर्ड आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप सोशल ऐप्स क्या क्या सपोर्ट है, सारे फेमस ऐप्स सपोर्टेड हैं, तो दैट्स गुड। और आपका ट्रैक करने के लिए देखिए GPS लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, लोकेशन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, वाईफाई लोकेशन ट्रैकिंग कर सकते हैं, और जियो फेंस भी लगा सकते हैं। जियो फेंस मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसमें आप एक एरिया तय कर सकते हैं कि लाइक आपका बच्चा इधर से उधर ना जाए, मतलब इस एरिया से बाहर ना जाए, वो जैसे ही बाहर जाएगा आपको ट्रिगर आ जाएगा, अलार्म आ जाएगा कि अच्छा वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अच्छा है, ये बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। और GPS आपका फ़ोन का ऑन हो ना हो आपको ट्रैकिंग मिलने वाली है, सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद आपका फ़ोन की फाइल्स आप एक्सेस कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग सब कुछ, और आपका फ़ोन कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप फ़ोन सुन सकते हैं क्या बात कर रहा है, फ़ोन स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेंसिटिव वर्ड्स आप सेट कर सकते हैं, तो जैसे ही अगर वो फ़ोन में टाइप वाइप करे तो आपको उसी टाइम मिल जाएगा टारगेट, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट में देखिए आप कर सकते हैं पूरा। सो हल्का सा मैं आपको गाइड बता देता हूँ क्या है, सिंपल है, आपको बस एक वेबसाइट पर जाना है जो कि है clefguard.net। मतलब आपको मोबाइल लेना है टारगेट डिवाइस, उस पर बस आपको ब्राउज़र खोलना है और ये clefguard.net लिख देना है। उसके बाद आपको एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा वो बताते रहेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर। आपको पहले लॉगिन करना होगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो परमिशंस लेते जाएगा, आप दबाते जाइएगा, 5 मिनट में आपका सेटअप रेडी। उसके बाद आपको बस कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर में आपको इसको ऑन करना है, लॉगिन करना है, और आप सब कुछ उसका ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, और मैं आपको दिखाता हूँ आप मॉनिटर कैसे करेंगे। तो आपको सिंपल वहीं पे आपको जाना है, यही clefguard.com खोलना है और मॉनिटर नाउ पे आपको दबाना है, तो इससे फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ अभी, तो अभी लॉगिन हो चुका है, अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ डैशबोर्ड पे दबाना है, और ये आ गया मेरे पास सब कुछ फ़ोन के बारे में, देख सकते हैं सारी डिटेल्स लिखी है। पहले तो अकाउंट ID, ईमेल ID, कितने मंथ का प्लान है, रिन्यूअल अनेबल है तो रिन्यू हो जाएगा आपका, कितना बैटरी लेवल परसेंटेज है, कौन सा फ़ोन है, GPS ऑन है कि नहीं, कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है, वाईफाई ऑन है कि नहीं, और डिवाइस ऑनलाइन है कि नहीं, मतलब कि इंटरनेट से कनेक्टेड है कि नहीं, सब कुछ आपको बता दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले top 8 कॉल्स जो भी हुई हैं वो दिखा दिया, top 8 मैसेजेस जो भी हुए हैं बता दिया, और लास्ट नोन लोकेशन किस टाइम पे कहाँ लोकेशन थी, जबकि आप देख सकते हैं GPS ऑफ है, यहाँ पे दिखा रहा है GPS ऑफ है, फिर भी यहाँ पे आपको लोकेशन दिखा रहा है, सो दिस इज़ रियली ग्रेट। तो पूरा एकदम ध्यान रख सकते हैं आप अपने बच्चे का। आप यहाँ फ़ोन फाइल्स देख सकते हैं क्या क्या हैं, कॉल लॉग्स हैं देख लिया हमने, मैसेजेस आप देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं क्या क्या सेव रखे हैं, ब्राउज हिस्ट्री देख सकते हैं क्या ब्राउज़ किया उसने कि कब क्या किया, फ़ोटोज़ देख सकते हैं क्या क्या कौन से फ़ोन में फ़ोटोज़ हैं, पूरा आपको सब कुछ दिखाई देगा। ये देखिए सारी फ़ोटोज़ खुल गई यहाँ पे, दिस इज़ ग्रेट। वीडियो प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है, और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐप एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, कौन सी ऐप में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है,
तो ये जैसे कि ये सारी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं तो वो सारा दिखा रहा है आपको, और की लॉगर मतलब आप क्या टाइप कर रहे हैं क्या नहीं वो आपका दिखा देगा। तो ये देखिए आप जैसे इसको स्टार्ट करेंगे उसके बाद वो जो भी लिखेंगे तो आपको बताता रहेगा क्या क्या लिख रहा है क्या नहीं हर एक की स्ट्रोक पे, ठीक है। यहाँ पे आपका फिर कैलेंडर भी आ जाता है, कैलेंडर में आप देख सकते हैं अगर उसने कुछ लिखा है कहीं जाना है ये वो। लोकेशन ट्रैकिंग में आ जाता है आपका लोकेशंस, नॉर्मली कहाँ कहाँ लोकेशन है उसका। जियो फेंस आप अनेबल कर सकते हैं जिससे कि आपको एक दायरा दे देंगे आप उसको और वो इधर उधर कहीं नहीं जा पाएगा उसके सिवाय, और जाएगा भी तो आपको अलार्म आ जाएगा कि वो बंदा मतलब आपका बच्चा इधर उधर जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद आपका ये वाईफाई दिखा देता है कौन से वाईफाई से लॉग्ड इन है और कहाँ पे है वो लोकेशन वाईफाई का, वो भी दिखा देता है आपको। सोशल ऐप्स में आपको मैंने बता ही दिया व्हाट्सएप फेसबुक इन सबको आप ट्रैक कर सकते हैं, मतलब अंदर तक का देख सकते हैं कि क्या चल रहा है इसके अंदर। तो अभी मेरे डिवाइस में कुछ भी लॉग्ड इन नहीं है इसकी वजह से मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बट बहुत सारे डिवाइस बहुत सारे ऐप सपोर्ट करता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम बात करें लाइव रिकॉर्डिंग, तो आप लाइव रिकॉर्ड कर सकते हैं सराउंड मतलब कि आसपास की आवाज़ें जो भी उसके फ़ोन के आसपास लोग हैं सब कुछ आवाज़ कर सकते हो, कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है। रिकॉर्ड कर सकते हैं आप कॉल्स और स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। आप रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं क्या क्या, कैप्चर स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं कैमरा ऑन करके उसका, कीवर्ड्स ट्रैक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड्स डाल देंगे तो वो जब कीवर्ड्स यूज़ होंगे कुछ भी होगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा। आप डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो भी उसका डेटा है, कॉल लॉग्स वगैरह आपका मैसेजेस कॉन्टैक्ट ब्राउज हिस्ट्री सब चूज बहुत ही देख सकते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक सब कुछ का आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और परमिशन चेक कर सकते हैं क्या क्या परमिशन दे रखी है, कुछ बन तो नहीं की उसने खुद ही। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारी परमिशन दे रखी है, एक्सेस टू कैमरा एक्सेसिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटर कैलेंडर कॉल लॉग ये कॉन्टैक्ट्स लोकेशन माइक्रोफोन नोटिफिकेशन SMS स्टोरेज यूसेज स्टेटस सब कुछ ऑन है, ठीक है, तो कुछ भी ऑफ नहीं है, सो दैट्स गुड। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल लगा मेरे को। तो जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ कैप्चर स्क्रीनशॉट, सो देखिए अब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये देखिए हमने स्क्रीनशॉट ले लिया जो भी यूज़ हो रहा था, ये अभी फ़ोटोज़ देखी जा रही है तो फोटोज़ देख रही हैं उनका स्क्रीनशॉट मिल गया कि वो भी क्या कर रहे हैं टारगेट डिवाइस में। सो गाइस बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है एंड बहुत कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं इसके साथ, तो बस ध्यान से पर्पसफुली यूज़ कीजिएगा, कोई गलत काम के लिए मत यूज़ कीजिएगा, बस यही कहना चाहूँगा आप लोग को। सो, अभी चलते हैं, मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ इसकी कैसे क्या है। सो, यहाँ पे गाइस आपको ये किड्स गार्ड प्रो एंड्रॉयड के लिए प्राइसिंग प्लान्स बता देता हूँ। तो इसमें आपको वन मंथ का प्लान लेंगे तो $29.95 का मिल जाएगा पर मंथ का, ठीक है। अगर थ्री मंथ्स का प्लान लेंगे तो आपको $16.65 का मिल जाएगा पर मंथ का, और अगर वन ईयर का प्लान लेंगे तो $8.32 का पड़ जाएगा पर मंथ का। सो, इस तरीके से हो जाएगा आपका ये, और आपका मॉनिटर वन एंड्रॉयड डिवाइस, ठीक है, एक एंड्रॉयड डिवाइस में आप देख सकते हैं इतना कुछ ये ट्रैक करता है, कोई रूट वूट की ज़रूरत नहीं है, और 30 डे का मनी बैक गारंटी भी है अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, और कभी भी आप कैंसिल कर सकते हैं। सपोर्ट है आपका 24/5 मतलब कि सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, दो दिन ऑफ रहेगा, सो दैट्स गुड। एंड ऑटो रिन्यूअल सब आपको अनेबल करना है डिसेबल करना है वो कर सकते हैं। इसमें आपका आईफोन के लिए भी है, ठीक है, मॉनिटर iOS डिवाइस, तो किड्स गेट फॉर आईफोन मॉनिटरिंग, सो ये भी आप देख सकते हैं, इसका भी मैं आपको प्लान्स बता देता हूँ। सो ये हैं इसके प्लान्स, वन मंथ का आपका $39 का है, $0.95 का पर मंथ का, थ्री मंथ्स का इसका थोड़ा सा महंगा है, और इसका वन ईयर प्लान का भी थोड़ा सा महंगा है क्योंकि आईफोन का थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योरिटी होती है तो उसको लड़के करना इज़ डिफ़िकल्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा से कम हैं एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड, एंड्रॉयड में आप ज़्यादा कुछ देख सकते हैं, आईफोन में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहता है, बट इसमें भी काफ़ी कुछ है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं आप। सो बताइएगा क्या आप ये यूज़ करने वाले सॉफ्टवेयर क्या आपको अच्छा लगा, तो बस कमेंट्स आपके लिए ही हैं, जाइए और बताइए। सो दैट्स इट दोस्तों, बस आपको वीडियो में यही बताना था, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा, लाइक एंड शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छे लगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय।